दोस्तों परमपिता ब्रह्मा जी के कहे हुए इन शुभ वचनों को सुनकर अग्निदेव विदेह नंदनी सीता जी को पिता की भांति गोद में लिए चिता से ऊपर को उठे। उस चिता को हिलाकर इधर उधर बिखराते हुए दिव्य रूपधारी हव्य वाहन अग्निदेव वैदेही देवी सीता को साथ लिए तुरंत ही उठकर खड़े हो गए। अनिंद देवी सती साध्वी सीता का अग्नि में प्रवेश करते समय जैसा रूप और वेश था वैसे ही रूप सौंदर्य से प्रकाशित होती हुई उन वैदेही को गोद में लेकर अग्निदेव ने श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर दिया। उस समय लोक साक्षी अग्निदेव ने भगवान श्री रामचंद्र जी से कहा, श्री राम यहाँ आपकी धर्मपत्नी विदेह कुमारी सीता है, इसमें कोई पाप अथवा दोष नहीं है। उत्तम आचार वाली इस शुभलक्षणा सती ने मन वाणी बुद्धि अथवा नेत्रों द्वारा भी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष का आश्रय नहीं लिया, इसने सदा सदाचार परायण आपका ही आराधन किया है। अपने बल पराक्रम का गर्व करने वाले राक्षस रावण ने जब इसका अपहरण किया था उस समय यह सती सोने आश्रम में अकेली थी, आप इसके पास नहीं थे, अतः यह विवश थी, इसका कोई वश नहीं चला। रावण ने इसे लाकर अंतापुर में बंधक बनाकर रख लिया, तब भी इसका चित्त आप में ही लगा रहा, यह आप ही को अपना परम आश्रय मानती रही। तत्पश्चात इन देवी को भांति भांति के प्रलोभन दिए गए। इस मिथिलेश कुमारी पर डांट फटकार भी पड़ी, परंतु इसकी अंतरात्मा निरंतर आपके ही चिंतन में लगी रही। इसने उस राक्षस रावण के विषय में कभी एक बार भी नहीं सोचा, अतः इसका भाव सर्वथा शुद्ध है। यह मिथिलेश नंदनी सर्वथा निष्पाप है, आप इसे सादर स्वीकार करें। मैं आपको आज्ञा देता हूँ, आप इससे कभी कोई कठोर बात ना कहें। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। अग्निदेव की यह बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी का मन प्रसन्न हो गया, उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु छलक आए। तदनंतर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अग्निदेव से उनकी पूर्वोक्त बात के उत्तर में कहा, भगवान लोगों में सीता जी की पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए इनकी यह शुद्धि विषयक परीक्षा आवश्यक थी, क्योंकि शुभलक्षणा सीता को विवश होकर दीर्घकाल तक रावण के अंतःपुर में रहना पड़ा है। यदि मैं जानकी नंदनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा ना करता तो लोग यही कहते कि दशरथ कुमार श्री राम बड़ा ही मूर्ख और कामी है। यह बात मैं भी जानता हूँ कि मिथिलेश नंदनी सीता का हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, मुझसे कभी अलग नहीं होता, ये सदा मेरा ही मन रखती, मेरी इच्छा के अनुसार चलती हैं। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तट भूमि को नहीं लांग सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का आश्रय लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरे के लिए अलभ्य है। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। ये सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि ये मुझसे उसी प्रकार अभिन्न है जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं, जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। आप सभी लोकपाल मेरे हित की ही बात कह रहे हैं और आप लोगों का मुझ पर बड़ा स्नेह है, अतः आप सभी देवताओं के हितकर वचन का मुझे अवश्य पालन करना चाहिए। ऐसा कहकर अपने किए हुए पराक्रम से प्रशंसित होने वाले महाबली महायशस्वी विजयी वीर रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिया देवी सीता से मिले और मिलकर बड़े सुख का अनुभव करने लगे, क्योंकि वे सुख भोगने के ही योग्य हैं।